वहीं राजधानी रायपुर में गौवंश अभ्यारण को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने बयान में कहा कि भाजपा सरकार अब गौवंश अभ्यारण योजना की शुरुआत करेगी। शहरों से दूर गांव और जंगलों में अभ्यारण बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बैठी गायों को ग्रामीणों से बातचीत कर हटाएंगे। गांव के गौठान से खेत पास है, इसलिए एक अभ्यारण बनाया जाएगा। सभी प्रक्रिया की तरफ से आगे बढ़ेंगे। वहीं इसी क्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सल उन्मूलन के पीसीसी चीफ दीपक बैज से सुझाव मांगा। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर नक्सल उन्मूलन की ओर से बढ़ चुका है। बस्तर के लोग चाहते हैं कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। ऐसे में विपक्ष को सहयोग करना की भी सियासत ही है। अच्छा निर्णय है। तकनीकी तौर पर आप देखेंगे तो परेशानी क्या हो रही है, गाय गौवंश को अभी उस तरीके से जनता पाल नहीं पा रही, जगह नहीं है, जगह की परेशानी है। विभिन्न गौठान गांव में ही था तो गाय गांव से ही, गौठान में कोई रुंधान था नहीं, रुंधान मतलब घेराव कहते हैं छत्तीसगढ़ी रुंधान, तो वहां से वो खेत भी पहुंचती थी और वो सड़कों पर भी आ गई। तो सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जाकर के आप सड़कों पर गाय न बैठें, उनको ऐसी परेशानी ना हो, गायों के लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को, सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभ्यारण्य में रखेंगे।